बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ कल्चर इन हेल्थ एंड डिजीज। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और जिनकी वजह से जो है वो डिजीज जो हैं वो डिवेल्प हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हम रोल ऑफ कल्चर इन हेल्थ एंड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो कल्चरल बिलीव्स हमारी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डिवेलप होती हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन कल्चर। व्हाट इज कल्चर? लर्नड बिहेवियर विच हैज़ बीन सोशली एक्वायर्ड, प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड मैन इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ हिज कल्चरल इन्वायरमेंट, देन लेज डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म विच सिक्योर एन इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल एंड सोशल सर्वाइवल। तो बेसिकली ये कल्चर के जो है वो अफेक्ट्स बता रहे हैं कि किस तरह से कल्चर जो है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करता है। इसमें जो है वो लर्न बिहेवियर हैं विच हैज़ बिन सोशली एक्वायर्ड, जो हम सोसाइटी से हम सोशली एक्वायर्ड जो सोसाइटी से जो है वो एक्वायर्ड किए जाते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स जिन्हें हम लर्न बिहेवियर्स कहते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैन इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज कल्चरल इन्वायरमेंट, देन लेज डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म विच सिक्योर एंड इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल एंड सोशल सर्वाइवल। कल्चर स्टैंड फॉर कस्टम्स। कल्चर्स में जो हैं वो डिफरेंट कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, लॉज, रिलीजन एंड मॉरल परसेप्ट, आर्ट्स एंड अदर कैपेबिलिटीज, स्किल एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये डिफरेंट स्टैंड्स या डिफरेंट जो हैं वो फैक्टर्स हैं एक कल्चर के। देन एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन कस्टम्स। हर कल्चर के अपने जो हैं वो कस्टम्स हैं विच इन्फ्लुएंसेस डिजीज जो के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं और डिफरेंट डिजीज जो हैं वो डिवेलप करती हैं। लंग कार्सिनोमा एंड लीवर सिरोसिस जो है ऐसे पेशेंट्स में इनके केसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं जो स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल जो है वो इनटेक करते हैं। देन ओरल जो ओरल डिजीज हैं वो ऐसे पेशेंट्स में जो हैं वो ज़्यादा देखी गई हैं जो टोबैको इनटेक करती हैं। तो ऐसे पेशेंट जो टोबैको का जो है इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनमें जो है वो ओरल डिजीज जो हैं वो डिवेलप होती हैं। इन्वॉल्व इन मैटर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। कल्चर में जो है ऐसे मैटर्स इन्वॉल्व हैं जो जिसमें पर्सनल हाइजीन है, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, seeking early medical care, family planning, in short the whole way of life. Not all customs and beliefs are bad. जितने भी सभी custom और belief जो हैं bad नहीं होते। Some are based on centuries of trial and error. और mostly जो हैं ऐसे हैं जो सदियों के trial and error have a positive values, जिनकी जो है वो positive values भी हैं while other may be useless or positively harmful, दूसरी जो है वो useless हैं या positively harmful हैं। तो एक custom या beliefs जो हैं वो सारी बुरी नहीं हैं, उनमें कुछ ऐसे customs या beliefs भी हैं जिनकी जो है वो positive value है या जिनकी positivity जो है वो ज़्यादा है, और कुछ कस्टम्स या बिलीव्स ऐसे हैं जो कि यूजलेस हैं और पॉजिटिवली हार्मफुल, जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं। तो कल्चर्स में दोनों जो हैं चीज़ें इंक्लूड हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स ऑन हेल्थ। देन कल्चरल फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखते हैं कि कल्चरल फैक्टर किस तरह से हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब करती है। कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर, उसमें जो है इटियोलॉजी का कंसेप्ट है, देन क्योर उसका इलाज, देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, फूड हैबिट्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, पर्सनल हाइजीन एंड मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। तो इनमें जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये डिफरेंट जो है इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स ऑन हेल्थ जो है वो हम इनमें डिस्कस करेंगे।
तो फर्दर हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं और इनमें देखते हैं कि किस तरह से कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो हेल्थ को जो है वो डिफेक्ट हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं या हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती हैं। कंसेप्ट ऑफ एटियोलॉजी एंड केयर, तो इसमें जो फर्स्ट जो फैक्टर है उसमें कंसेप्ट ऑफ एटियोलॉजी एंड केयर है। डिफरेंट लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो एटियोलॉजी के बारे में डिफरेंट हैं, देन उनका क्योर, उनका जो इलाज है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट है। देन इनमें जो है वो दो ग्रुप्स हैं, एक जो है वो सुपर नेशनल सुपर नेचुरल जो है उस पर बिलीव करती है, दूसरी जो है वो फिजिकल पे जो है वो बिलीव करती है। लाइक सुपर नेचुरल काजेज, सुपर नेचुरल काजेज में व्रत ऑफ गॉड, लाइक इसमें जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को जो है वो ये समझा जाता था कि ये खुदा का जो है वो कहर या खुदा का जो है खुदा जो है वो नाराज़ हो गया। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ कंसिडर्ड हार्मफुल। देन इसका जो ट्रीटमेंट था, इसका फर्दर जो ट्रीटमेंट में डिफरेंट ड्रग्स जो दी जाती थी, तो इसका जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो थी वो कंसिडर की जाती कि ये हार्मफुल है, कि इसमें जो है किसी किस्म की आपने ट्रीटमेंट नहीं देनी, ये खुद ही ठीक होगा, और इसकी जो काज है इस डिजीज़ की, इसकी जो एटियोलॉजी है वो सुपर नेचुरल काज है, तो इसमें जो ड्रग्स होगी वो जो है वो हार्मफुल होगी, ये कंसिडर किया जाता था। देन केसेस आर नॉट नोटिफाइड एंड वर्शिप्स आर मेड टू प्लीज द गॉड, और इसमें जो है वो इबादत की जाती थी ताकि जो है डिफरेंट देवता को जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ या डिफरेंट जो पीपल थे वो इबादत करते थे ताकि उनके जो गॉड्स हैं उनको खुश किया जाए, और इनमें जो है वो केसेस को नोटिफाई नहीं किया जाता था। मीन टू से ट्रीटमेंट पे और उसके अलावा जो केसेस थे उनकी जो एटियोलॉजी थी वो ये समझी जाती थी कि ये खुदा की तरफ से है, डिफरेंट जो है उनके गॉड्स होते थे और उनकी तरफ से है, और इनका जो ट्रीटमेंट है कोई ट्रीटमेंट नहीं है इनका, और अगर पूजा की जाएगी अपने गॉड की तो उससे जो है ये डिजीज़ ठीक होगी। देन ब्रीच ऑफ टोबैको, ब्रीच ऑफ टैबू, देन वेनेरियल डिजीज आर बिलीव बाय सम टू बी ड्यू टू इलिसिट सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ वूमेन ऑफ लो कास्ट। तो इसमें जो है वेनेरियल डिजीज ऐसी डिजीज हैं जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती हैं, जो सेक्स की वजह से जो हैं वो डिवेल्प होती हैं, तो उनके बारे में ये समझा जाता था कि ये डिजीज जो हैं तब डिवेल्प होंगी जब जो है एक वुमेन ऑफ लो कास्ट, एक लो कास्ट की जो वुमेन है उसके साथ इंटरकोर्स अगर किया जाएगा तो वेनेरियल डिजीज जो हैं वो डिवेल्प होंगी। आर अ वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये एक ऐसी औरत जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगी उसके साथ अगर इंटरकोर्स किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो उससे जो डिजीज डिवेल्प होंगी वेनेरियल डिजीज, तो उनके बारे में कहा जाता था कि ये जो है उनके बारे में ये कंसेप्ट था कि ये अगर लो कास्ट की औरत से जो है इंटरकोर्स किया जाए या एक ऐसी औरत जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली औरत से अगर जो है वो इंटरकोर्स किया जाए तो ये डिजीज जो है वो डिवेलप होती है। देन सुपर नेचुरल काजेज पास्ट सिन, तो इसमें जो है अगर पास्ट जो है किसी पर्सन का अगर किसी पर्सन में लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हुई है तो उसको ये कहा जाता था कि इसके पास्ट के जो सिंस हैं जो गुनाह हैं उसकी वजह से जो है ये डिजीज़ जो है वो डेवलप हुई है। हालांकि लेप्रोसी जो है वो डेवलप होती थी ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रियम, देन ट्यूबरक्लोसिस जो थी वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डेवलप करता था, लेकिन इनमें जो है वो डिफरेंट बिलीव्स थे लोगों के और उन पे ही जो है वो फर्दर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। देन इविल आई, चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोन टू द इफेक्ट ऑफ द इविल आईज, इसी तरह से एक इविल आई का जो कंसेप्ट है उसमें जो ये उसमें ये समझा जाता है कि जो बच्चे हैं जो कि मोस्ट प्रोन हैं जो कि ज़्यादा रिस्क पे हैं टू अफेक्ट ऑफ द इविल आईज, जो कि बुरी नज़र के ज़्यादा अफेक्ट पे हैं। देन चार्म्स एंड अम्यूलेट्स आर प्रिस्क्राइब, तो ऐसे लोगों को जो है वो तवीज़ गंडे जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते थे, या उनके पास जो थी वो ऐसी चीज़ें थी जो वो ये समझते थे कि ये अगर हमारे पास रहेगी तो हम महफूज रहेंगे, एंड इन कैन
cantations recited by the exorcist. ये उनमें जो है वो ऐसी जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रैक्टिसेस की जाती थी जिससे जो है ये डिजीज़ या इविल आई जो है ये ख़त्म की जाती थी. तो उनके डिफरेंट लीड्स थे. देन स्प्रिट आर गोस्ट इंट्यूजन हिस्टोरिया एंड एपिलेप्सी. एपिलेप्सी और हिस्टोरिया जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं और रिगार्डेड ड्यू टू गोस्ट इंट्रूजन इन टू द बॉडी. तो इसमें जो है एपिलेप्सी की एक ऐसी कंडीशन है जिसे उर्फ आम में मिर्गी कहा जाता है. तो इसमें जो है पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसे जो है वो उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि लोग समझते थे कि इसमें कोई गोस्ट जो है उसकी इंट्रूजन हुई है इन टू द बॉडी जिसकी वजह से जो है उसकी ऐसी कंडीशन हुई है. द सर्विसेज ऑफ एन एग्जोरिस्ट आर सॉट टू ड्राइव अवे द इविल गोस्ट. तो इसमें जो है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो है वो एग्जोसिस्ट जो हैं उनको इन्वाइट किया जाता था ताकि वो ट्रीटमेंट करें और इस डिजीज़ को जो है इस डिजीज़ को या इस कंडीशन को भगाए या कोई इविल गोस्ट जो है जो बॉडी के अंदर जिसकी इंट्रूजन हो चुकी है तो इसको जो है वो भगाया जाए. तो डिफरेंट लोग डिफरेंट पीपल्स के जो थे वो डिफरेंट कंसेप्ट थे और जिनमें जो है वो ट्रीटमेंट तो नहीं कराई जाती थी लेकिन उसमें जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो थी वो की जाती थी. देन इनमें एगोसिस्ट जो है इसमें अ पर्सन हु एक्सपेल्स आर अटेम्प्ट्स टू एक्सपेल अ सपोज्ड इविल स्पिरिट फ्रॉम अ पीपल आर प्लेस. तो एक ऐसा शख्स जो कि भगाता था किसी जगह से या किसी पर्सन से घोस्ट को तो उसको जो है वो एगोसिस्ट कहा जाता है. देन फिजिकल काजेज. फिजिकल काजेज में अफेक्ट्स ऑफ वेदर फॉर हीट स्ट्रोक एप्लीकेशन ऑफ ऑयल एंड घी ऑन द सोल ऑफ द फीट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैंगो पूल विद अ पिंच ऑफ साल्ट. तो अफेक्ट ऑफ वेदर जिसमें जो है मौसम की मौसम का अफेक्ट हो सकता है लाइक हीट स्ट्रोक की वजह से. हीट स्ट्रोक की वजह से जो कंडीशन डिवेल्प होगी उसमें जो है डिफरेंट ऑयल और घी जो है वो सोल ऑफ फीट पर वो अप्लाई किया जाता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैंगो पूल विद अ पिंच ऑफ साल्ट. देन उसमें जो है वो मैंगो दिया जाता है जिसमें जो है थोड़ा सा साल्ट ऐड किया जाता है. देन वाटर इम्प्योर वाटर एसोसिएटेड विद डिजीज. इम्प्योर वाटर हो सकता है डिजीज के साथ जो एसोसिएट हो सकता है. देन इम्प्योर ब्लड. स्किन डिजीज आर कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू द इम्प्योर ब्लड. इसी तरह से जो स्किन डिजीज हैं उनको जो है वो इम्प्योर ब्लड जो है उसमें समझा जाता है कि इम्प्योर ब्लड होने की वजह से जो है वो स्किन डिजीज जो है वो डिवेलप हुई है. ईटिंग नीम लीव्स एंड फ्लावर्स इज कंसिडर्ड टू प्योरीफाई द ब्लड. इसी तरह से ईटिंग नीम लीव्स नीम के जो पत्ते होते हैं वो खाए जाते हैं और उनके जो फ्लावर्स हैं उनको समझा जाता है कि ये प्योरीफाई करेंगे प्योरीफाई ब्लड कि ये ब्लड की जो है वो प्योरीफिकेशन करेंगे. ब्लड जो इम्प्योर हो चुका है उसको ये ठीक करेंगे जिससे जो है वो डिजीज़ ठीक हो जाएगी. हालांकि स्किन डिजीज जो है वो डिफरेंट उसमें जो है वो डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो सकती हैं या डिफरेंट जो है पैथोजेंस की वजह से स्किन डिजीज जो है वो डिवेलप हो सकती हैं. देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन. डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा ओपन फील्ड डिफिसिशन. नो आइडिया ऑफ वाशरूम्स अमंग विलेजर्स. लेट्रीन्स आर मीन्ड फॉर सिटी डिवेलर्स वेयर देयर आर नो फील्ड फॉर डिफिकेशन. इसी तरह से एक बिलीव है कि ओपन फील्ड जो है वो डिफिसिशन के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं और इनमें जो वाशरूम्स का कंसेप्ट है वो सिटी के लिए उन्होंने वो किया कि स्पेसिफाई किया कि सिटीज़ में जो है ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो है नो ओपन फील्ड्स कोई ओपन फील्ड जो है वो अवेलेबल नहीं होते. इसलिए जो है अगर गाँव है तो गाँव में क्योंकि ओपन फील्ड अवेलेबल हैं तो ये ओपन फील्ड जो है वो डिफिसिशन के लिए जो है वो यूज़ करने चाहिए. फीसिस आर इन्फेक्शियस. ऐसे फीसिस जो इन्फेक्शियस पेशेंट से होंगे वो इन्फेक्शियस फीसिस होंगे. पोल्यूट्स द वाटर को देन वाटर को पोल्यूट्स करती हैं सॉइल एंड प्रोमोट फ्लाई ब्रीडिंग. देन वो सॉइल को पोल्यूट करेंगी और प्रोमोट करेंगी फ्लाई ब्रीडिंग को. फ्लाई ब्रीडिंग जो है उसकी जो नंबर्स हैं फ्लाइज की वो बढ़ेंगी और देन वो फर्दर में आगे डिजीज जो है वो डिवेलप करेंगे. प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल इज बाउंड अप विद
नंबर्स बिलीव्स एंड हैबिट्स बेस्ड ऑन इग्नोरेंस. तो इग्नोरेंस की वजह से, बिलीव्स की वजह से और हैबिट्स की वजह से जो है ना वो एक्सक्रीटा डिस्पोजल जो है उसको एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने में जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी. देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, नॉट अवेयर दैट मॉस्किटो ब्रीड इन कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर. देन इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी कि जो मॉस्किटो है उनकी जो ब्रीड है वो वाटर की कलेक्शन, वेस्ट वाटर के जो है वो अगर कलेक्शन हो जाए तो उसमें जो है मॉस्किटोज़ की जो ब्रीड है वो होगी, ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग प्रोसेस होगा जिससे जो है मॉस्किटो की जो तादाद है वो बढ़ेगी, उससे जो है वो फर्दर मलेरिया डिवेल्प हो सकता है. इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी. द सॉयल वेस्ट इज़ इनवेरिएबली थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हाउसेज, हाउसेज के सामने जो थे वो गंद सॉयल वेस्ट जो है वो डाल दिया जाता था. वेयर इट इज़ परमिटेड टू एक्युमुलेट एंड डिकम्पोज, जहाँ पे जो उनको इकट्ठा किया जाता था डिकम्पोज किया जाता था. पीरियोडिकली इट इज़ रिमूव्ड टू फील्ड्स एंड यूज एज फर्टिलाइजर, या उनको जो है वो फर्टिलाइजर्स के तौर पे जो है वो फील्ड्स में फेंक दिया जाता था. द एनिमल डंग, काउ डंग इज अलाउड टू एक्युमुलेट, इट इज़ यूज समटाइम्स एज मैन्योर एंड ऑफन टाइम pressed into the cakes and sun-dried and used as fuel. Then environmental sanitation, water supply, ponds, tanks, common use for washing and bathing and drinking. तो drinking, washing और bathing के लिए जो है वो ponds और tanks का जो water था वो use किया गया. Some rivers are considered holy, कुछ जो rivers थे उनको holy consider किया गया, different लोगों के beliefs थे. और वहाँ पे जो थी वहाँ का जो पानी था वो वॉशिंग के लिए, वहाँ का जो पानी था वो ड्रिंकिंग के तौर पे, ड्रिंकिंग के लिए जो है वो यूज़ किया गया, एज ए ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको यूज़ किया गया. एपिडेमिक्स ऑफ कॉलरा, जिससे जो है वो एपिडेमिक्स ऑफ कॉलरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस हैव अकर्ड ड्यू टू दीज कल्चरल प्रैक्टिस, यानी कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से जो थी वो कॉलरा डिवेल्प हुई, कॉलरा की जो थी केसेज वो एपिडेमिक्स में गई. देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो थी एपिडेमिक्स उनकी जो है वो अकर्ड हुई. देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में हाउसिंग, रूरल हाउसेज आर स्मॉल ऑल ओवर द कंट्री, रूरल हाउसेज जो हैं वो छोटे हैं ऑल ओवर द कंट्री. यूजली इनमें जो है इल लाइटेड होती हैं, ये इल वेंटिलेटेड होते हैं. देन फॉर रीजंस ऑफ सिक्योरिटी नो विंडोज़ आर प्रोवाइडेड, और सिक्योरिटी की वजह से जो है वहाँ पर कोई विंडो नहीं लगाई जाती जिससे जो है वहाँ की जो वेंटिलेशन है वो ठीक नहीं होगी, वो जो हाउस होगा वो इल वेंटिलेटेड होगा. एंड इफ़ एट ऑल वन इज़ प्रोवाइडेड इट इज़ मेयरली अ स्मॉल होल. और इसमें जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोगों के डिफरेंट बिलीव्स हैं उनकी वजह से जो है वहाँ पे एक छोटा सा जो है एक स्मॉल होल रख दिया जाता है फॉर वेंटिलेशन, जो कि उस रूम की जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करता. Absence of separate kitchen, washroom, bathroom and drainage are characteristic feature of an average rural house. Then average rural house जो है उसमें जो है उसके characteristics है जिसमें जो है वो bathroom, latrine, kitchen जो है वो separate नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है वो different foodborne, waterborne diseases जो है वो develop होती हैं. एनिमल कीपिंग इज़ वेरी कॉमन इन विलेज, और एनिमल कीपिंग जो है विलेजेस में बहुत आम है. डिफरेंट विलेजेस में जो है लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो एनिमल कीपिंग ही है इनफ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लिव अंडर वन रूफ. एनिमल और ह्यूमन जो हैं वो एक ही छत के नीचे रहते हैं और डिफरेंट डिजीज जो हैं वो डिवेल्प होती हैं. एनिमल से जो है वो ट्रांसमिशन होती है उनकी ह्यूमन में, और ह्यूमन में जो है वो डिफरेंट डिजीज जो है वो डिवेलप होती हैं. देन फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल कंडीशंस लाइक सॉयल, क्लाइमेट, रिलीजियस कस्टम्स एंड बिलीव्स. देन वेजिटेरियन इज अ गिवन अ प्लेस ऑफ ऑनर इन हिंदू सोसाइटी. हिंदू सोसाइटी में जो है ना वेजिटेरियन वेजिटेरियन को जो है वो एक प्लेस ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाता है. देन फूड टैबू, बीफ एंड पोर्क, फूड सच एज मीट, फिश, एग्स एंड एग्स आर कंसीडर्ड टू जनरेट हीट इन द बॉडी. देन फूड सच एज कर्ड, मिल्क,
वेजिटेबल्स लेमन आर कंसिडर्ड टू कूल द बॉडी। इसी तरह से जो है वो डिफरेंट ठंडी चीज़ें गर्म चीज़ें जो हैं वो समझी जाती हैं कि लाइक मीट फिश एग्स जो हैं ये समझे जाते हैं कि ये एनर्जी जनरेट करते हैं बॉडी में और बॉडी को जो है वो गर्म रखते हैं। फूड्स सच एज मिल्क कर्ड वेजिटेबल लेमन जो है उनको समझा जाता था कि ये बॉडी को जो है वो ठंडा रखते हैं। देन अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इज कॉमन प्रैक्टिस। देन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ मैरिज इज यूनिवर्सल इन सोसाइटी। फैमिली इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेल चाइल्ड। इसमें सोसाइटी में जो है वो मोस्टली ये समझा जाता है कि फैमिली जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड के बगैर जो फैमिली है वो इनकम्प्लीट है। गुड जो है प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग जिससे जो है ऑयल बाथ मसाज एंड एक्सपोजर टू सन इसका जो एस्पेक्ट है जो गुड प्रैक्टिस है जिससे जो है चाइल्ड की हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकती है। तो उसमें प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग है, ऑयल बाथ है, मसाज है, देन एक्सपोजर टू सन, तो ये गुड प्रैक्टिस है। देन बैड में सम फूड्स लाइक एग्स मीट फिश मिल्क लीफी वेजिटेबल्स आर फॉरबिडन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सम पार्ट्स। कुछ पार्ट्स हैं दुनिया में कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इन चीज़ों से जो है वो रोक दिया जाता है लाइक एग्स मीट फिश मिल्क लीफी वेजिटेबल्स। तो इन चीज़ों से जो है वो रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है ड्यू टू डिफरेंट बिलीव्स। और इनकी वजह से जो है वो प्रोटीन की जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक प्रेग्नेंट फीमेल्स को जो चाहिए होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अवेलेबल नहीं होते जिससे जो है बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होती। देन डिलीवरीज आर कंडक्टेड बाय ट्रेडिशनल अनट्रेंड एंड बर्थ अटेंडेंट। तो डिलीवरीज कराई जाती हैं डिफरेंट ट्रेडिशनल अनट्रेंड लोगों से जिनमें जो है वो बर्थ अटेंडेंट हैं उनसे जो है डिफरेंट डिलीवरीज कराई जाती हैं जिससे जो है वो मदर और चाइल्ड दोनों की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। नो ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days ऑफ बर्थ बिकॉज ऑफ बिलीव दैट कोलोस्ट्रम माइट बी हार्मफुल इंस्टेड ऑफ चाइल्ड इज पुट ऑन वाटर एंड शुगर सोल्यूशन। देन इसमें जो है एक नो ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days, 3 days के लिए जो है वो कोई दूध नहीं, माँ बच्चे को जो है वो माँ का दूध नहीं दिया जाता। इसमें जो है ये बिलीव है लोगों का कि कोलेस्ट्रम माइट बी हार्मफुल। इसमें जो है कोलेस्ट्रम उस दूध को कहते हैं जो स्टार्ट में जो है काफ़ी थिक मिल्क जो है बच्चे को दिया जाता है तो कोलेस्ट्रम जो है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इंस्टेड ऑफ चाइल्ड स्पुट इसकी बजाय जो है बच्चे को जो है वो वाटर और शुगर सॉल्यूशन जो है वो दिए जाते हैं। देन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में अनइम्पॉर्टेंट जो है वो पाइस्टिंग एयर नोज इनमें जो है वो कान जो है वो सिलवाए जाते हैं या नाक है वो चलवाए जाते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन हेड। देन अनसर्टेन में एप्लीकेशन ऑफ काजल जिससे जो है वो ट्राइकोमा जो है वो डिवेलप हो सकता है। देन पर्सनल हाइजीन में ओरल हाइजीन है, बाथिंग है, ओरल हाइजीन मैनी पीपल यूज नीम ट्री लीव ऑफ नीम ट्रीज एशिज चारकोल। डिफरेंट लोग जो हैं वो नीम यूज़ करते हैं, एशिज यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं। ईटिंग पान लीव्स विद लाइम विद और विदाउट टोबैको डिफरेंट जो है वो ओरल हाइजीन को जो अफेक्ट करती है उनमें जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो पान लीव्स जो हैं वो इंटेक करते हैं जिसके साथ जो है वो टोबैको ऐड होता है। देन बाथिंग नेकेड इज अ टैबू। विलेजर्स नो यूज ऑफ सोप। विलेजर्स जो है वो सोप यूज नहीं करते। यूज ऑफ कॉमन क्लोथ टू वाइप बॉडी क्रॉस इन्फेक्शन जिससे जो है वो हो सकती है। एक ही क्लॉथ को जो है वो जितने भी लोग हैं वो यूज़ करते हैं जिससे क्रॉस इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो हेल्दी पर्सन तक जो है उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। वुमेन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन मस्ट हैव अ प्योरीफाइंग बाथ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ देयर मे बी 2 to 3 सेरेमोनियल बाथ्स द टाइम फॉर विच इज फिक्स्ड अपॉन द एडवाइस ऑफ द पाइस्ट। देन पर्सनल हाइजीन में शेविंग डन बाय द ट्रेडिशनल बार्बर जिसमें ट्रेडिशनल बार्बर से जो है वो शेविंग कराई जाती है। नो स्टरिलाइजेशन, उसमें कोई स्टरिलाइजेशन का
कंसेप्ट नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो स्टीलाइज नहीं किया जाता, जिससे जो है जिसमें जो है नो और आइडिया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई आइडिया नहीं है। देन स्मोकिंग, देन शेविंग में जो है वो स्टीलाइजेशन प्रोसेस ना होने की वजह से डिफरेंट डिजीज डेवलप होते हैं। देन स्मोकिंग कैन स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस, स्मोकिंग से जो है ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो सकती है। बर्निंग एयर, बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इन माउथ, कॉमन कस्टम अमंग विलेजेस इज अमंग विलेजेस, जिससे जो है वो ओरल कैंसर जो है वो हो सकता है। अमंग पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर स्मोकर्स हैव हायर डेथ रेट, मदर स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ द फीटस। देन मैरिज एंड सेक्सुअलिटी, सेक्शुअल कस्टम वेरी करते हैं, सेक्शुअल कस्टम्स अमंग डिफरेंट सोशल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स। अमंग द आयरिश देर आर टैबूज अंगेंस्ट डिजिटल एक्सप्लोरेशन ऑफ द वेजाइना। देन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वुमेन आर फॉरबिडन टू प्रे, इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है औरत जो है वो प्रे नहीं कर सकती, दुआ नहीं कर सकती। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आर फॉरबिडन टू हैव इंटरकोर्स विद फॉर 7 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन केसेस, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन सीजेस। तो ज्यूज में जो है ये कंसेप्ट है कि इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना चाहिए फॉर 7 days तक आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। जब जो है एक वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जब सीज हो तो उसके 7 days तक जो है उनके साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। देन कंक्लूजन, इसका जो है कल्चरल फैक्टर्स आर हाईली इन्वॉल्व इन मैटर ऑफ द पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, सीकिंग अर्ली मेडिकल केयर, फैमिली प्लानिंग, डिस्पोजल ऑफ द रिफ्यूज एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट जो है द होल वे ऑफ लाइफ को जो है वो हमारा जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करती हैं, जिससे जो डिफरेंट डिजीज जो हैं वो डिवेल्प होती हैं। तो आज का ये लेक्चर था, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।